गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर मैराथन। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्या मैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि बहुत ही बच्चों को लगता है बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसको इतनी इजी ट्रिक से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, जबकि आप खुद भी करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आप जानते होंगे कि 11th 12th के बच्चों को तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंस देता है केमिस्ट्री में, और 10th वाले बच्चों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मेनली आप जानते हैं, देख सकते हैं आप, पहले एस पी डी एफ, इन्हीं से रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को, जानते होंगे आप। तो एस पे सिर्फ 2, पी पे 6, डी पे 10, F पे 16, और S को 1, 2, 3, 4, ऐसे हमने ये काम कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इनको लिखेंगे, S हर को एलिमेंट को दो बार लिखना है, कितनी बार, दो बार लिखना है। तो शुरू करते हैं, जैसे S है, S को यहाँ पे हम दो बार लिखेंगे, S S। अब P है, P और S, यानी इसको रिवर्स ऑर्डर में लेंगे और दो बार ही लिखेंगे, P S, P S, P S। अब D को भी ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, D P S, D P S, D P S। अब ऐसे F को भी लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, F D P S, F D P S, F D P S। आप देख चुके हैं कि हम लिख चुके हैं, तो अब आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। S 1 इस पे शो है, आपने देखा कि 1, तो उसको 1 से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो इसी तरीके से P पे 2 रिप्रेजेंट है, तो हम 2 से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो ऐसे ही अब D 3 से शुरू होता है, 3 से शुरू करेंगे, 3, 4, 5 and 6। तो F 4 से शुरू है, तो हम इसको 4 से शुरू करेंगे, 4 and 5। तो समझ लीजिए, अब काम आपका हो गया, बस यही सीखना था। अब मैं बताता हूं, अब हम एग्जांपल लेंगे, आप बताइए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का, एग्जांपल कैल्शियम, Ca होता है कैल्शियम का सिंबल, और इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है 20। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, अब देखिए इसमें 20 एटम्स होते हैं, तो इसको अब जैसे कि आप जानते हैं 2 होते हैं, S 1 S 2 कॉमा 2 S 2 ऐसे ही कॉमा 2 P 6 कॉमा 3 S 2 कितने हो चुके एलिमेंट्स, आप देखिए एलिमेंट्स हो चुके हैं हमारे पास, और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे इसको। रुक जाइए, मैं आपके सुविधा के लिए आगे से लिख देता हूं इसको, 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 S2 ऐसे ही। अब 3 S2 पे थे हम, 3 P6 ऐसे ही, 4 S2 देख सकते हैं आप, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैल्शियम की, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना इजी ट्रिक है, ऐसे हम 2-3 का और करके मैं आपको बताता हूं, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो हम कैल्शियम का इरेज कर देते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक या बुक अपने साथ रखे, आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट है, क्योंकि ये बहुत ही इजी ट्रिक है। तो अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हम गोल्ड का ले लेते हैं, AU, AU हमने ले लिया है, AU यानी कि गोल्ड,
जो कि गोल्ड होता है, गोल्ड, जी हाँ, जो गोल्ड होता है वो हमारी पीरियोडिक टेबल में कहां पर होता है, क्या कोई गेस कर सकता है? अगर आपको पता है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। जानते होंगे आप, एक बार अगर आप ये जानते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी लिखना ना भूले। क्या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, अगर आप ये ट्रिक भी पहले से जानते थे तो भी आपको कमेंट सेक्शन में पहले लिखना है। और अगर आप ऐसे ही अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न है तो भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं ऐसे ही पीरियोडिक टेबल पे कुछ और भी ट्रिक्स लाने वाला हूं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एटॉमिक वेट और लर्न करने की ट्रिक, ऐसी मैं ट्रिक लाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं, ऐसे ही एग्जांपल लिया हमने जैसे गोल्ड का, जो कि 79 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा जाने वाला है, तो इसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6। तो आप देख सकते हैं कितने हो चुके हैं। ये 36 हो चुका है, यानी कि इसके आगे हमें और कंटिन्यू करना होगा। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं आपके लिए, ये एक मिनट, हमने एग्जांपल लिया है एयू का, एग्जांपल हमने लिया है एयू का, किसका, एयू का, तो जिसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। और 24 और 12, 36 हो चुके हैं। और अब डी को भी काउंट कर लेते हैं, डी 2 टाइम्स आया, यानी 46, यानी कि 56 हो चुका है। ये कितना हो चुका है, 56, यानी कि हमें इसके आगे भी करना पड़ेगा। 56 के बाद 4f 16, 5d 10, कितना हो चुका है ये, कोई बता सकता है? हमने 56 पहले ही कर लिया था, 10 काउंट करेंगे तो 76, लेकिन ये मिस्टेक हो गई है, हम ज्यादा आगे चले गए हैं, क्योंकि 56 तो यही हो गया था, 56 और 10 60, और 60 और 6 66 के बाद 72 हो चुका है, यानी कि हमें एक और करना होगा। कितने कम रह रहे हैं हमारे पास, थ्री रह रहे, यानी कि सिर्फ थ्री रह रहे हैं। हम कहां पे थे, 4f पर, यानी कि 5 d
3 लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये AU का हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और तो अगर आपको ये ट्रिक आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये क्या ट्रिक आपके लिए फायदेमंद थी मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक का बटन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।